दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बेहद परेशान और डरी हुई है। एमसीडी सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की और बाहर आकर कई झूठे आरोप मढ़ दिए। लेकिन जब इन आरोपों की पोल खुल गई तो अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तल्खियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अब नए आरोपों के साथ सीधे तौर पर एलजी को धमकी देने लगे हैं। आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान एलजी को फांसी पर लटकाने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक और चिट्ठी एलजी वीके सक्सेना को लिखी है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव से ठीक दो महीने पहले मोहल्ला क्लिनिक के चिकित्सकों की सैलरी और टेस्ट को रुकवाकर बड़ी साजिश रची गई। सिसोदिया पहले भी इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं, इसलिए उनकी बात में कितनी सच्चाई है या खुद ही समझा जा सकता है और देर सवेर इसका भी सच सामने आ जाएगा। लेकिन सिसोदिया की इस चिट्ठी को ट्वीट करते हुए आप नेता नरेश बाल्यान ने ट्वीट किया, एमसीडी चुनाव से ठीक दो महीने पहले दिल्ली एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की सैलरी रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिया ताकि लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति आक्रोश उठे। ये बेहद निचले स्तर का कार्य किया एलजी ने। अगर अमेरिका चीन में ये हरकत कोई करता तो वहाँ का कानून फांसी पर लटका देता। मनीष सिसोदिया ने जो चिट्ठी एलजी को लिखी है उसमें कहा गया है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए साजिश रचा गया। दिल्ली सरकार में बैठे कुछ अफसरों ने जान पूछकर फाइलों को कुछ इस तरह घुमाया कि एमसीडी चुनाव से ठीक दो महीने पहले यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की सैलरी नहीं दी गई। मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले सभी टेस्ट रोक दिए गए ताकि अगर सैलरी न मिलने के बावजूद भी चिकित्सक आए तो टेस्ट न हो सके। मोहल्ला क्लिनिक किराए के मकान में चल रहे हैं, उनका किराया भी नहीं जमा होने दिया गया। जब इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत की गई तो वो तकनीकी खराबी बताते रहे, लेकिन दबी जुबान में यह भी बताते रहे कि एलजी साहब की तरफ से सख्त निर्देश ये हैं कि एमसीडी चुनाव से पहले पेमेंट ना करें। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली के लोगों का इलाज रोकना एक आपराधिक कृत्य है। जनता ने जिस तरह सरकार को चुनकर भेजा है उसके खिलाफ साजिश करेंगे तो यह देशद्रोह है। उपराज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि वो चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करे। इससे एक दिन पहले केजरीवाल ने झूठा आरोप लगाया था कि दिल्ली एलजी ने उनसे मीटिंग में कहा कि वो सुप्रीम प्रशासक हैं, उनके पास ताकत है, वो जो चाहे करें। लेकिन जल्द ही केजरीवाल की बात झूठी साबित हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।